अब फ्रेंड्स देखिए, सर्दी को देखते हुए आरती घुसी है कंबल में और काफी अच्छा काम करती है इस समय। पिछले 10 दिन से मेरी हेल्प कर रही है, जब से मेरे सिर दर्द वगैरह हुआ तब से आरती हेल्प करती ये है मेरी। लॉलीपॉप जो प्यार वाला लॉलीपॉप रहता है ना, वो काम कराने का तरीका कुल मिला के वो है, होता नहीं है। एक तो डांट के काम कराया जाता है और हाँ एक बातों से काम करा दिया जाता है। तो इनके इधर अंदर वो वाला हुनर काफी तेज है जो बातों वाला है, बातों से काम निकालना। तो इनका यही रहता है, बातों से काम निकालते रहते हैं। जब से दोबारा शुरुआत की है मैंने यूट्यूब पे, तब हाँ से आप लोगों को बता दूं एडिटिंग मैं ही संभाल रही हूँ। हाँ जी और अगर उसमें कुछ मिस्टेक हुआ करे तो बता दिया करो कि हाँ एडिटिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, ये भी बताया करो। पहले ये करते थे, अभी जब से दोबारा शुरुआत की है तब से मैं ही संभाल रही हूँ। शॉर्ट लॉन्ग सारे कुछ मैं ही संभाल रही हूँ, ये तो फ्री कर दिया मैंने। तो खाओ पियो यश करो, भगवान का मन दुनिया करो जलती कोई है जलने दो, हाँ खाओ पियो ऐश करो भगवान का भजन करो। वो गाना बनाया है, वो उस गाने का शॉर्ट मैंने बनाया ही इन्हीं के लिए था। हाँ मैंने तो जी खाओ पियो मौज करो मैं हूँ संभालने के लिए। तो फिलहाल ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, एक ही दिन में डबल ठंडी हो गई है। इससे पहले सही था मौसम, इस समय तो कंबल रजाई से बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, आरती जो मीठी मीठी बातें कर रही है, आरती का जो कहने का सेंस है वो बिल्कुल मैं स्पष्ट किए दे रहा हूँ। आरती सिंपैथी में काम नहीं कर रही है, ये बदले में काम कर रही है, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है। ऑर्डर क्या, रोज ही रहता है आरती जब नहीं एडिटिंग करती है मुझे ग्रीन टी बना के देना पड़ता जब है। मैं एडिटिंग करती हूँ तो केवल एक ग्रीन टी मुझे बना के पकड़ा लेते हैं। तो कार बदले तो में हुआ भाई इसको मैं गिवेंटी ग्रीन टी बना नहीं लूंगी तो नहीं आप इसको नहीं संभालो नहीं मेरे सिर दर्द करने लगता है ना है इसमें, दो ना, ढाई तो घंटे फिर लगते बोला हैं। मत करो। आप लोग ही बताइए ग्रीन टी इजी है कि ये एडिटिंग 1.5 घंटे 2 घंटे लगते हैं इसमें एडिटिंग में। ये तो ऐसे ही है। एडिटिंग नहीं हो जाती है, 10 मिनट का दिखाना होता है, पूरे दिन का शूट होता है। तो उसमें हाँ क्या जी रखना है क्या नहीं रखना है उसमें टाइम जाता है अच्छा टाइम खासा। जाता है। गुड, तो फिलहाल आरती मेहनत कर रही है, अच्छी है, बढ़िया है और अब हेल्प जाओ भी बना कर रही के है आओ, मेरे। फिर फट हाँ से बातें कम हाँ फट से करते जा रहा हूँ फ्रेंड्स। मुझे लग रहा है कि अब मैं किचन का काम सीख ही जाऊंगा, आरती सीखना सिखा देगी। पड़ेगा। हाँ जी अब सारे काम तो मैं नहीं हाँ, मैं संभालूंगी समझ ना। सकती आरती एकदम सही कह रही है। ग्रीन टी मात्र 2 मिनट का काम है फ्रेंड्स। ये पानी मैंने भर के रेडी कर लिया है, बस मुझे क्या करना है, गैस जलाना है। आरती तुम्हारा दूध निकला जा रहा है, दूध नहीं मैं संभाल लूंगा, अपना संभाल लूं, मुझे सिर्फ ग्रीन टी बना के देना रहता है। पानी रख दिया, ये जैसे ही खोल जाएगा उसमें मैं ये ग्रीन टी डालूंगा। मैंने स्पून में निकाल के रख लिया पहले से ही, रेडीमेड काम रहता है अपना। फिर इसको ढक दूंगा और 3-4 मिनट बाद मैं आरती बनाने को जा रहा दे था तो दूंगा। मुझे लगा नहीं ये बोल रहा है इसमें, और इधर आओ इधर आओ, मैं हाँ, बताती हूँ इस पे क्या ये कह रही है, आरती की बात सुन लूँ पहले। इस सेंटेंस पे ये बोल सकते हो तुम कि मैं ग्रीन टी बनाने जा रहा था और मुझे दिखाना था और मुझे जताना था कि मैं कुछ काम करता हूँ, इसलिए मैंने कैमरा उठाया। क्योंकि पानी और पत्ती निकालने के बाद अगर कैमरा उठाया जा रहा है तो समझ जाइए आप लोग किस लिए उठाया जा रहा है। बिल्कुल, आप लोग वैसे ही समझदार वो होता है, ये तो कोई स्पष्ट भी है। भ्रम देना मैंने वीडियो शूट कर रहा हूं अपने फैमिली को दिखाने के लिए, मेरा परिवार भी तो जाने कि सर हमारे काम करते काम हैं। करते हैं। नहीं तो आरती एडिटिंग कर रही है, क्या करती है, अपना रोल रखती है, मेरे सारे रोल खत्म कर देती ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, परसेंट भी नहीं है। आप हमेशा तो आप साथ में ही रहते हो, आपके बिना कहाँ जाएंगे आप, साथ ही है। साथ चलना है। बहुत मीठा बोलती है मैं तुमको सपोर्ट कर रही आरती, हूँ। बहुत मीठा बोलती है। मीठा जाइए बोल बोल के आप, मुझे सारा किचन पूरा रसोईया बना दिया। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ पानी खोल गया मेरा, ठीक। अब फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, एक प्लेट रेडी रखूंगा पहले। इसमें डालता हूँ ग्रीन टी और बोल दिया, इसको बंद कर दिया। अब इसको ढक के रखूंगा 2-3 मिनट, उसके बाद छान के आरती को दे दूंगा। उसका सामान जहाँ के तहाँ लगा दूंगा, अगर कुछ इधर उधर हो जाए, आरती का मैं बहुत डरता हूँ रसोई में, कुछ इधर उधर हो जाए तो लेने के देने डाल देती है, बहुत सुनाती है ये ऑन कैमरा, बड़ा मीठा बोलती है। पीठ पीछे अगर कोई भी रसोई का सामान इधर से उधर हो जाए फिर दे वो। क्या हुआ मैं सुन
नहीं दिख रही हो तुमको, मैं अपने काम में लगी हूं। अच्छा ना सुनो, वही बढ़िया है। तो एडिटिंग तो मुझे ही करनी है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा रखूंगी, नहीं लगेगा कट करूंगी। अभी तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी चाहो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, ग्रीन टी बन चुकी है और बस छानने की देरी है। ये मैंने इसको छान लिया गिलास में और अब आरती को देता हूँ। आरती, मुझे लग रहा है आज ग्रीन टी तुम्हारी कम लग रही है मुझे। लो, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम वेलकम। चलिए हो गया। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये जो प्रेस हो रही है, ये घर जाने की तैयारियां अभी निकल रहे, एकदम से निकल रहे हैं, इमरजेंसी में निकल रहे हैं। बच्चों की छुट्टी हो चुकी है, इनकी छुट्टी हो चुकी है। हाँ जी, तो फिर से अभी तक बच्चों की छुट्टियों को कंफर्म नहीं था, तो इसलिए नहीं जा रहे थे। हाँ, एक दो दिन लेट जाते, और बच्चों पे भी नोटिस आया। वैसे पैकिंग एक घंटे के अंदर, पैकिंग फ्री फिनिश, एक घंटे में बस रेडी होकर बस निकलना। फ्रेंड्स देखिए, घर की खुशी। वैसे वैसे मम्मी को एक दिन लगता था पैकिंग करने में। हाँ, तो अभी सही कह रहा है। जल्दबाजी नहीं है ना, तो अभी तो ऐसे ही जल्दबाजी वाली पैकिंग है सारी की सारी। जल्दबाजी वाली है, तो छूटेगा तो छूटेगा, घर है अपना, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं। खुशी बता रही है कि आरती घर जा रही है। मुझे घर जाने की खुशी रहती है। मैं तो कहती हूँ मुझे एटा छोड़ दो, तुम यहाँ रहो। अभी मेरा पूरा हुलिया खराब हो रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट काम कर रही थी, दिल्ली भी सारा निकल गया। चलो करो मेहनत, मेहनत का फल मीठा होता है, मीठा ही मीठा है। सासू माँ के होता नहीं है, मीठा ही। घर पहुँच कर लाड़ प्यार मिलेगा तुम्हें ढेर सारा। चलो करो करो जल्दी करो। तो और फ्रेंड्स देखिए, बहुत भारी है बैग मुझे। बैग देखिए, मैंने नाम के लिए, नाम करने के लिए बैग उठा लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, इतना भारी बैग है, सद भी नहीं रहा है। और इधर आरती भी तैयार हो रही है फटाफट। अच्छा जल्दी करो फटाक से, ठीक है। ट्रेन दौड़ के पकड़नी पड़ेगी। हाँ? ट्रेन फिर दौड़ के ना पकड़नी पड़े। कोई नहीं, अभी तो सर्दी है, दौड़ के भी पकड़ लेंगे। सर्दी है, दौड़ के पकड़ लेगी यार, पहलवान है भाई, किसी से कम थोड़े ही है। देखो काफी अभी ट्रेन का अच्छे से टाइम है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पर्याप्त समय है, पर्याप्त समय, इसलिए ही फास्ट किए हैं कि हर बार दौड़ के पकड़ना पड़ता है। पिछली बार छूट गई है। हाँ, कहते नहीं है कि आदमी गलतियों से सीखता है, तो पिछली बार गलती हुई है हमसे। हाँ, और उससे हम अच्छी तरह सीख चुके हैं कि अब बिल्कुल टाइम से, एकदम टाइम से नहीं निकलना है, थोड़ा टाइम लेके निकलना है। पूरे दो घंटे पहले निकल के जा रहे हैं हम लोग, तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी भी मुझे लग रहा है धीमी धीमी चलेगी। हाँ, और ऊपर से मुझे लग रहा है सरकार के ऑर्डर भी आए हुए हैं कि 8 बजे के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी। अभी पता चलता है, पता चलेगा अभी, प्रैक्टिकल तुरंत मारेंगे, कन्फर्म हो गया अभी, देखिए क्या होना है, क्या होना है, होगा देखा जाएगा, वही रहता है अपना, निकलते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। अब बाकी के कानपुर में मैम है ही, तो वहाँ रुक लिया जाएगा रास्ते में, रास्ते में हमारी फैमिली के एक सदस्य रहती हैं, वही आरती बता रही है कि अगर लेट हो गए तो उनके घर रुका जाएगा। तो अपनी दीदी की आप कहेंगे। हाँ, और लखनऊ भी तो है, अपने फैमिली लखनऊ भी है, यूट्यूब फैमिली लखनऊ भी है, कानपुर भी है, और कानपुर अगर पहुंच जाएगी तो कानपुर में भी है ना, अब कोई टेंशन वाली उतनी बात नहीं है, कहीं भी पहुंचे वहां रुकने की जरूरत हो ही जाए। हां जी, हर जगह अपनी फैमिली फैली हुई है, कभी नोएडा जाना हुआ तो नोएडा भी अपना है, नोएडा भी जाएंगे। हां, हरियाणा में भी है अपनी फैमिली, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, चारों तरफ हमारी फैमिली काफी बड़ी हो चुकी है। क्यों एक बार मैसेज डालो। हां जी, हां लेट हो गया भाई, लेट है, कोई हेल्प दो भाई, हेल्प दो, हेल्प नहीं मतलब हेल्पिंग कहेंगे उसको, हेल्पिंग कहेंगे और क्या, नहीं हेल्प नहीं, हक से जाएंगे, मतलब परिवार है, हेल्प नहीं कह सकते ना उसको, वही मैं सोचती हूँ, हेल्प कैसे। हाँ हाँ, वही तो, अपने अपने परिवार में जाने में भी क्या हेल्प है, वही। चलो मैं आई हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं इसके जगह गर्म कुर्ती डाल दूंगा, मुझे ठंडी ठंडी लग रही है। हाँ, तो गर्म पहनो ना, फिर पहन लिया, इसको हटा दे। हाँ, मुझे भी लग रहा है, मैं चेंज कर दूं, 2 मिनट के अंदर उतार दो, मुझे पहले ही लदवा दिया ये लो। हाँ, आप तो क्या कर रही है इसमें,
हालत खराब हो गई मेरी, क्या भर लिया है इतना। हाँ देखते हैं भाई आरती का गेटअप। हाँ ये ठीक है, भूले ना ना, ये भी आगे नया मेहमान है, इसका नहीं दिखाएंगे क्योंकि जब बड़ा हो जाएगा तब दिखाएंगे। होता है ना कि छोटे बच्चों को नहीं दिखाते, दूर होते हैं तो उनके भी कुछ अपने रूल है तो हम नहीं दिखा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बस खिला सकते हैं उसको। बाय बाय, जा रहे हम, जा ये लो कूदो, खाओ पियो, खाओ पियो ऐसा करो। हाँ मनवाल का मालिक अच्छे से रहना, ठंडी बहुत है, ठंडी बहुत है, अच्छे से रहना अंदर बंद होके। फ्रेंड्स देखिए हम लोग आ चुके लखनऊ रेलवे स्टेशन, ये देखिए लखनऊ रेलवे स्टेशन, और बस अभी यहाँ से पकड़ेंगे ट्रेन कासगंज के लिए या फिर चूंडला के लिए। चलो बच्चों, चलो हर्ष, और अभी समय हो रहा है 10:30 का। बच्चों को ठंड लग रही है, ठंडी लग रही है नहीं है? चलो अच्छी बात है, पिकनिक मना रहे हैं बच्चे। अच्छा और फ्रेंड्स देखिए हम लोग आ चुके लखनऊ रेलवे स्टेशन पे। अभी नहीं आ चुके हम लोग, आ चुके यहाँ तो 11 थे। हाँ जी 10:30 पे आ गए थे, 11:00 11:45 पे ट्रेन थी जो कि अभी तक नहीं आई है। अभी 2:00 बज रहे हैं, 2:00 बज गए हैं। अभी सर सर है, अभी दिखा तो रहा है कि 2:16 पे आ जाएगी, देखते जाके बाकी है कि नहीं। आके चलते हैं किधर, 5 प्लेटफॉर्म के बाद 5 आ गए है ना। आ जाओ बच्चों, बहुत भयंकर सर्दी है, रात के 2:00 क्या बताएं, रात का संपर्क नहीं करना चाह रहे थे, ठंड लग रही है बच्चों, ठंड बहुत सारे बैग हैं। चलो फटाक से, ट्रेन आने वाली है, चलो नो प्लीज थैंक्स, नो 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 उल्टा कहाँ से जा रहे हो? ये देखिए एक भी बैग नहीं है, एक भी दूर दूर तक, ये वाला एक बैग, वो वाला, और एक मेरी पीठ पर है। अब पकड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा।